ऊना कुटलहड़ व चिंतपूर्णी हल्के के दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुशील कुमार शिंदे का दौरा संगठन की नवस को पहचानने के लिए रखा गया था, लेकिन ऊना व कुटलहड़ में शिंदे का दौरा टिकटार्थियों के शक्ति प्रदर्शन में बदल कर रह गया। ऊना विधानसभा क्षेत्र में अंजोली से ऊना तक सुशील कुमार शिंदे का 8 से अधिक स्थानों पर अलग अलग नेताओं ने अपने समर्थकों से ही स्वागत किया। शिंदे के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित रहे। ऐसे में कहीं वीरभद्र सिंह जिंदाबाद तो कहीं सुखविंदर सिंह जिंदाबाद के नारे लगे। वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी के बावजूद उनके समर्थकों ने नारे लगाने व वीरभद्र की ऊना में ताकत दिखाने का कोई मौका प्रभारी के सामने नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी सुशील कुमार शिंदे का ऊना व कुटलहड़ का दौरा गुटबाजी व शक्ति प्रदर्शन से भरपूर नजर आया, जहां सब अपनी डफली अपना राग अलापते रहे। टिकट दावेदारों की शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू खासे खफा दिखे। सुक्खू ने दावेदारों के समर्थकों को जमकर लताड़ लगाई और आगे से व्यक्ति विशेष के पक्ष में नारे लगाने से परहेज करने की नसीहत भी दी। सुक्खू द्वारा व्यक्ति विशेष के नारे लगाने पर उस नेता का टिकट काटने की चेतावनी देने के बाद ही समर्थकों का जोश ठंडा हो गया। नारा लगेगा वो ये सोचे कि उस नेता के नेताजी की नंबर में बारी आ रही है, इसलिए नारा मत लगाना। कांग्रेस पार्टी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के गृह विधानसभा क्षेत्र ऊना सदर में पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ती पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। सुक्खू ने कहा कि सत्ती 15 सालों से ऊना के विधायक हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र में विकास नहीं करवा पाए, बल्कि सत्ती सिर्फ विधानसभा में नारेबाजी करके सरकार के काम में बाधा ही पहुँचाते रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे कि सतपाल सत्ती जी क्या ये कॉलेज नहीं करवा सके आप? ये सब बातें आपने चुनावों में आपने आने वाले विधायक से पूछनी है। क्या एक सब तहसील नहीं करवा सके? क्या पीएससी नहीं करवा सके? क्या स्कूल नहीं अपग्रेड करवा सके? 15 साल से सिर्फ नारे लगाते रहे, विधानसभा होती है विधानसभा बंद करते रहे, आए दिन नारे लगाकर राजनीतिक रोगियां देखते रहे। इन सब बातों का सवाल जो आने वाले वक्त में चुनाव होगा उसमें ऊना की जनता पूछेगी। जनसभा के दौरान कांग्रेस प्रभारी सुशील कुमार शिंदे ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया। शिंदे ने कहा कि संगठन और सरकार में सब कुछ पहले से बेहतर है। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार में अब कोई मतभेद नहीं है। शिंदे ने प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने का दावा किया। करवाया है और किस तरह की रिपोर्ट उस सर्वे की आई है? हमारा रिपोर्ट जो आया है वो हम मेजोरिटी में आएंगे और सरकार स्थापित करेंगे, इस प्रकार का हमारा रिपोर्ट आ गया। तो इसके लिए हम भी नहीं तो एक जनरल सेक्रेटरी इतना नहीं फिर सकता है। मैं अभी तक दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके आया हूँ, आज तीसरी हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूँ और शिमला कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो शुरुआत से जाते रहता हूँ, लेकिन रूरल कांग्रेस में भी अभी थोड़े दिन के बाद मैं जाऊंगा। और मुझे लोगों में इतना उत्साह है जो सब बोलते हैं सर, कई बार ऐसा भी हो सकेगा कि लीडर लोगों को छोड़ देंगे लेकिन कांग्रेस के साथ ही लोग। सर, जिस तरह से संगठन और सरकार में मतभेद उभर कर सामने आते हैं बार बार, तो क्या कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस के लिए यह नुकसानदेह साबित हो सकता है? नहीं, अभी नहीं है। अभी देखिए प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष तो अभी कभी स्टेटमेंट नहीं करता है। हमने उनको बोल दिया है कि आप स्टेटमेंट मत करिए। एक आध दूसरे एक आठ दिन पहले 10 दिन पहले जो हो गया तो हो गया, अभी नहीं आते हैं। मैं राजा साहब भी कभी बोलते हैं, एक आधा उनका भी जो आता है तो वो भी मिस इंटरप्रिट करके आता है। हम देश के लिए बहुत बात कर रहे हैं, खाली हिमाचल के लिए। हिमाचल के बारे में ये कोर्ट में केस है लेकिन उसमें अभी पूरा कार्रवाई नहीं हो गई है।
निर्णय नहीं होगा, जब निर्णय हो जाएगा तभी वो आरोपी होगा। सर, कांग्रेस से निकाले गए कई कांग्रेसी जो है वो पार्टी में द्वारा आना चाहते हैं, तो क्या उनको पार्टी द्वारा कांग्रेस में लेगी? देखिए, सबको पूछ के हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपने जो रास्ता उनका भूल गए हैं और फिर दोबारा आते हैं, उन लोगों के साथ सर क्या हारे